जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, हम लोग कक्षा 7वीं की गणित पाठ पुस्तक प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम बढ़ेंगे प्रश्नवली 1.1। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्नवली, आप सभी को बहुत आराम तरीके से, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। देखिए, आराम से कॉपी की नाप निकाल लीजिए और नोट कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ समझिए आप लोग, संख्या रेखा। संख्या रेखा उसे कहते हैं जिसमें दोनों प्रकार की संख्याओं को दर्शाया जाता है, जिसमें धनात्मक की संख्याएं रहती है, जैसे यहाँ पे है शून्य के, जैसे यहाँ पे देखिए शून्य, शून्य के इधर जो रहती है उसे कहते हैं धनात्मक की संख्या, ठीक है। और जो शून्य के इधर रहता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक की संख्या। धनात्मक का अर्थ क्या होता है कि यह संख्या आगे बढ़ रही है, 0 के बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या दूसरा, यहाँ पे 0 के बाद इधर संख्या घटती है, 0 के बाद -1, यानी 0 में से 1 घटाएं, फिर -2, इस प्रकार की संख्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 1 में कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थान है। देखिए कितने स्थान है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्थान है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं उत्तर। पहला है कितना है, लाहौल स्पीति। तो यहाँ आप लोग लिखिएगा इसके उत्तर में लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इसका तापमान हमें लिख देना है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, देखिए बच्चे यहाँ से 0 है और इससे कम हो रहा है, तो यहाँ से गिनते हैं 5 के बाद -6, -7, -8, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्लस उसके बाद देखिए लाहौल स्पीति के बाद क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान कितना है, -1, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस से श्रीनगर का तापमान। तो श्रीनगर का तापमान है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तीसरा यहाँ पे है शिमला। शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा में शिमला, और शिमला के तापमान में हम लोग लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है बच्चा। सिर्फ यहाँ से देख के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे चौथा दे रखा है ऊटी। बताइए कितने बच्चे ऊटी गए, ठीक है, कौन कौन ऊटी से हो। तो ऊटी, ऊटी का तापमान कितना है, यहाँ से गिनते हैं 10 के बाद 11, 12, 13, 14, और ये धनात्मक में है, तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब पांचवा है बेंगलोर। बेंगलोर देखिए, बेंगलोर का तापमान 20 डिग्री, यहाँ पे 20 के बाद 21 डिग्री 22 डिग्री, तो 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का तापमान हो गया, क्लियर। ये था प्रश्न संख्या 1 का ए। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में क्या अंतर है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए इसमें और बताइए सबसे गर्म कौन सा है और सबसे ठंडा कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे गर्म तापमान है बेंगलोर का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस है। आप लोग ऐसे ध्यान रखो, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है प्लस का, तो यहाँ पे ये सब क्या होगा, सबसे गर्म होगा, ठीक है। और जो माइनस का होता है, -3 डिग्री -2 डिग्री, इस पे बर्फ जम जाता है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। पानी उबल रहा है यानी पानी सबसे गर्म है धनात्मक वाला, और ये ठंडा हो रहा है तो सबसे बर्फ जम रहा है तो ठंडा है, सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, सबसे गर्म है बेंगलोर। इन दोनों का हमें क्या बतला, इन दोनों का हमें अंतर बतलाना है, तापमान में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर का मतलब होता है इन दोनों को घटाना है। दूसरा में लिखेंगे सबसे गर्म, लिखेंगे सबसे गर्म, हमसे लिख सबसे
गर्म, सबसे गर्म कौन सा स्थान है? सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। और इसका दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सबसे ठंडा, सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति, लिखेंगे यहाँ पे लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इनका हमें अंतर बतलाना है, तो लिखेंगे अंतर, इसका लिखिए 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 22 लिख देना है, 22। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस, और हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस मिलता है तो प्लस होता है। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा साइड में, माइनस माइनस और माइनस मिलता है तो प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस होता है तो प्लस होता है। माइनस प्लस को मिलाएंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस को मिलाएंगे तो माइनस होगा, ये कुछ साइन होते हैं। तो यहाँ पे माइनस और माइनस है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दीजिए, 22 और 8 कितना हो गया? 30। तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। देखिए अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या सी दे रखा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, लाहौल स्पीति का है हमारा, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर क्या है? 2 डिग्री, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर, ठीक है, अंतर लिखेंगे लाहुल स्पीति। लाहुल स्पीति का तापमान हमें क्या दे रखा है? लाहुल स्पीति का दे रखा है हमें -8 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना दे रखा है? श्रीनगर का तापमान हमें दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस। अब करते हैं हम यहाँ पे अंतर। अब देखिए आप लोग यहाँ पे जब भी अंतर करो बच्चा, तो देखिए हम लोग यहाँ से 0 से इधर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले 0 के बाद में कौन सा आ रहा है? सबसे पहले श्रीनगर आ रहा है, तो श्रीनगर के तापमान को लिखना है। श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लाहौल स्पीति आ रहा है, तो लाहौल स्पीति का तापमान लिख दीजिए माइनस, हमें उसके बाद देखिए -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हुआ श्रीनगर का तापमान और ये हुआ लाहौल स्पीति का तापमान, इन दोनों का हमें अंतर्गत लाना है, इसलिए दोनों को घटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए -2 डिग्री है तो -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो +8, ठीक है। अब फिर से माइनस प्लस, यहाँ से देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पे 8 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा? 6, तो 6 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अंतर होगा 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, प्रश्न संख्या डी दे रखा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। पहले इतना करते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, अब डी क्या बोला कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान, तो शिमला का तापमान और श्रीनगर के तापमान का योग करते हैं, शिमला कितना है? 5 डिग्री, श्रीनगर कितना है? 2 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है श्रीनगर, तो यहाँ लिखेंगे श्रीनगर,
श्रीनगर, और इसका तापमान दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनका योग बताना है। योग का अर्थ होता है बच्चा इन्हें जोड़ना है। तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस अभी बताएं, माइनस होता है -2। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो इन दोनों का योग होगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें कह रखा है कि इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है 3 डिग्री सेल्सियस से, है ना, अधिक है, इसीलिए हम कह सकते हैं हाँ, ठीक है, ये अधिक है। दूसरा कह रखा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या -2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, नहीं होता है, लिखेंगे नहीं, ठीक है, हाँ लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। था प्रश्न संख्या 1, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।